हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए जो है फ्लोर बॉक्स का वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, ये तो मैंने बैठा दिया है, लेकिन मैं आगे आप लोग को बताएगा किस तरह मैंने बैठाया है और किस तरह जो है इसका डिस्टेंस वगैरह सब दिया है। आप लोग को पहले मैं ड्रॉइंग समझाता हूँ किस तरह है। आप लोग ड्रॉइंग का वीडियो देखिए। अब ये देखो, ये दिया हुआ, ये सबका डिस्टेंस देखो दिया हुआ है 1 मीटर 22 सेंटी पूरा फ्लोर बॉक्स का है। तो अब ये जिप्सम का पहले अलग था, फिर उसके हिसाब से ज़्यादा फर्क आ रहा था, फिर ड्राइंग चेंज करवाया है। अभी सबका परफेक्ट आ रहा है, ये देख रहा है। ये जिप्सम बोर्ड से दिया हुआ है 1 मीटर 52 सेंटी 9 मिली। उसके बाद बॉक्स टू बॉक्स डिफरेंस है 120 यानी 1 मीटर 22 सेंटी 1 मीटर 22 सेंटी सबका जो है। और उसके बाद देखो यहाँ से भी इधर को देखो 2 मीटर 13 सेंटी 4 मिली और इधर से जो है 2 मीटर 15 सेंटी यानी फ्लोर बॉक्स का। फिर जंक्शन सेंटी में, जंक्शन और फ्लोर बॉक्स में डिफरेंस है 42 सेंटी यानी दोनों में गैप आ रहा था 3 सेंटी, इसलिए मैं बोला ना ट्रंकिंग डाला है 3 सेंटी में जो है मेलबूस नहीं लगेगा। अभी फिर यहाँ से ये टच होके जिप्सम बोर्ड से देख रहे हो ना, ये जिप्सम अभी जो है जंक्शन बॉक्स जो है और फ्लोर बॉक्स उसमें क्या है 3 सेंटी का गैप है, तो 3 सेंटी में मेलबूस नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग ट्रंकी का पीसी काट के इसमें डालेंगे। और अभी मैं जो है बॉक्स में और जंक्शन बॉक्स में दोनों पे मार्किंग कर देता हूँ। 27 सेंटी जो है ये जो है ट्रंकी की लंबाई है उस हिसाब से, और 4 सेंटी जो है चौड़ाई है। पहले मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग करके कटिंग करते हैं इसको, फिर फ्लोर बॉक्स में आपको बैठा कर दिखाता है। आप लोग जो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है, आप लोगों को कुछ पूछना है, तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले मार्किंग कंप्लीट करते हैं, फिर कटिंग करते हैं इसको। अभी देखिए हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे जो है बॉक्स में, जो है पहले सेंटर उसको निकालेंगे, सेंटर निकाल कर जो है उसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर नहीं निकालेंगे तो उससे जो क्या है बॉक्स जो है देखने में जो है तिरछा दिखेगा। सेंटर हर बॉक्स से निकला रहेगा, वैसे दिया रहता है, किसी किसी में नहीं दिया रहता तो मार्किंग करना पड़ता है। और मार्किंग का भी ध्यान रखने का, मिल्ली का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर मिल्ली का भी फ़र्क आएगा तो जब आप देखेंगे तो आपको डिसबैलेंस दिखेगा, थोड़ा तिरछा निकल दिखेगा, उससे क्या है फिर आपको चेकलिस्ट के टाइम प्रॉब्लम आएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपके बॉक्स में सेंटर दिया हुआ फिर भी आप कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका जो सेंटर दिया हुआ है वो सही है, नहीं से नहीं है तो फिर आप लोग मार्किंग कर सकते हैं। अभी मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं जो इसको जो है बॉक्स बैठाते हैं। अभी जो एंगल लगाया था हमने, आप देख सकते हैं लाइन डोरी दिख रही होगी आपको पतली सी, उसको सेंटर में रख के फिर उसको अभी जो है एंगल जो नीचे है उसको लेवल करेंगे। इससे जो है कहीं पे भी आप बॉक्स लगाते हैं तो जो आपका जो कंक्रीट होता है फिनिशिंग फ्लोर, उससे 2 मिली आप डाउन ही रखिए तो अच्छा है, क्योंकि कहीं पे भी जो है एकदम बराबर नहीं रहता। टाइल्स वगैरह अगर लग चुकी है तो उस पर बराबर रखा जाता है। इसमें क्या है कि डाउन रखने पर इसमें रिंग दिया रहता है, वो रिंग से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो हम इसका जो है परफेक्ट हो चुका है, नीचे से नट बोल्ट भी हमने टाइट कर दिया, अभी फ्लोर बॉक्स का नट बोल्ट टाइट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जो है इंशाल्लाह समझ में आएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको समझ में पूछना है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो में आप कमेंट करेंगे मैं आपको ज़रूर जो है जवाब देगा इंशाल्लाह। अब इसको जो है टाइट करते हैं, टाइट करके फिर लास्ट में दोबारा भी जो है इसमें लेवर रख के चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइट करने के बाद भी हो सकता है भाग सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए इंशाल्लाह समझ में आएगा।
अभी देखिए जो है चाबी से टाइट करने से पहले आपको ध्यान रखना है बॉक्स के ऊपर लेवर लग के आप जो है टाइट करेंगे। अगर बिना लेवल के आप जो है टाइट करेंगे तो फिर आपका जो है बॉक्स जो है भाग जाएगा, इसलिए आप जो है चाबी से टाइट करने से पहले आप जो है लेवल बॉक्स के ऊपर ज़रूर रखें। उससे क्या है कि आप जो है अगर लेवल ऊपर रखेंगे तो चारों तरफ से आप बराबर टाइट कर सकते हैं और लेवल को देख के किस तरफ से कितना भाग रहा है, अगर ज़्यादा भाग रहा है उधर से ज़्यादा टाइट करेंगे, इस तरह से आपका जो है परफेक्ट आएगा। देखिए मैंने पूरा जो है चारों तरफ से पूरा बराबर बराबर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा तो लेवल देख सकते हैं एकदम परफेक्टली सेंटर में है। इस तरह जो है मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था और ये मेरा पार्ट टू है वीडियो, पार्ट वन आप लोग भी देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। ये 10 फ्लोर बॉक्स है और 12 जो है जंक्शन बॉक्स है, इसका पाइपिंग भी हो चुका है। अभी ये आ रहा है, ये स्पेयर पाइप डाल रहा है यहाँ पे, ये पाइप यहाँ से पहले कंक्रीट के अंदर डाला हुआ था लेकिन स्पेयर डाला है, बाई चांस अगर कोई ब्लॉक हो गया यूज कर सकते हैं। अभी इसका इंशाल्लाह संडे को चेकलिस्ट कराएगा।